हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और अभी आप सामने देख रहे हो स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट है ये। जब बात बिकने की आती है ना तो सबसे ज़्यादा यही वेरिएंट बिकता है स्कॉर्पियो एन की लाइनअप में, बिकॉज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है या ये वेरिएंट आता है उस प्राइस पॉइंट पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं जब आप इसको राइवल से कंपेयर करते हो। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ इस गाड़ी में क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, क्या कम्फर्ट है, ओवरऑल गाड़ी के बारे में पूरा डिटेल में रहने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करें इस गाड़ी की चाबी से। तो ऐसी कुछ आपको लॉक एंड अनलॉक की यहाँ पे मिल जाती है, एकदम आपको स्मार्ट की जो फ्लिप की आप बोल सकते हो, एंड दोनों ही चाबी आपको ऐसी मिलने वाली है जिसमें लॉक एंड अनलॉक करने पे आपके टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे। इधर आप देखते हो हैलोजन हेडलाइट आपको मिलती है, रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम एंड लो बीम। इस गाड़ी में कोई भी फॉग लैम्प या DRLs आपको नहीं मिलती। ग्रिल आप देख सकते हो यहाँ पे 6 slat ग्रिल आपको मिल जाएगी सिल्वर ट्रीटमेंट में, और ये आपका महिंद्रा का लोगो सेंटर में जो नया वाला है आ जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल आपको हेक्सागन डिज़ाइन में कुछ मिल जाती है, और इसकी जो स्किड प्लेट्स है वो ब्लैक कलर में रखी गई हैं। और जब आप इस गाड़ी को फ्रंट ओवरऑल प्रोफाइल देखते हो तो डेफिनेटली इसकी SUV लुक आती है, एकदम बड़ी दिखती है, ह्यूज दिखती है। तो यहाँ पे इसकी गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ 14,24,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इसकी, और 16,50,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस आ जाती है। देन अगर आ जाए व्हील्स पे तो पहले तो व्हील क्लैडिंग मिलेगी, स्टील रिम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, 245/65R17 inch के व्हील्स हैं ये। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस 187mm का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गाड़ी के ओवरऑल साइड प्रोफाइल जैसी आप देखते हो तो यहाँ पे 4662mm की आपको लेंथ मिलेगी, आपको हाइट मिल जाती है इसमें 1857mm की, तो अच्छी खासी हाइट है। हेडरूम भी आपको प्लेंटी मिलने वाला है इसमें। ये हैं इसके ORVMs LED टर्न इंडिकेटर के साथ जो आपको मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आपको मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे देखते हो तो बी पिलर आपको मैट ब्लैक में है। रूफ रेल्स भी आपको मैट ब्लैक में इस गाड़ी में मिल जाती है। अब आते हैं यहाँ पर तो पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना इस गाड़ी में मिल जाएगा। फ्यूल टैंक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो जिसमें 57 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। ये पेट्रोल वेरिएंट अभी आप सामने देख रहे हो। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें फ्रंट में एंड रेयर में आपको दोनों ही जगह पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। अब इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल से बात करते हैं तो यहाँ पर है इसका असली जो एकदम ह्यूज लगती है गाड़ी पीछे से। तो सबसे पहले ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है, उसी में आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प आ जाता है। रेयर डिफॉगर्स और रेयर वॉशिंग वाइपर भी आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल जाता है इस गाड़ी में। स्कॉर्पियो इनकी ब्रांडिंग यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, एंड ऑल्सो पीछे वाला डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर में मिलेगा। लोअर में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें पार्किंग सेंसर्स जो आपके 4 आ जाएंगे, ऑल्सो रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स लाइट। नीचे आपको स्पेयर व्हील इसमें मिल जाता है। अब बात करूँ अंदर से तो कितना आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है, तो आप देख सकते हो पहले तो इसका हाइड्रोलिक यहाँ पे टेलगेट आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि जगह पे ही रहेगा। अब बात करें यहाँ पे अगर बूट की तो आप देख सकते हो जो थर्ड रो अगर आप एक्सेस करते हो भाई उसके बाद कोई भी स्पेस इतना आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। हार्डली कुछ आपके बैकपैक या डफल बैग इसमें आएंगे, उसके अलावा आपका कोई ज़्यादा इसमें सामान नहीं आने वाला, या तो वो छोटे सूटकेस खड़े करके आप रख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये आपका कैप है जो नीचे आपका स्पेयर व्हील रिलीज़ करने के लिए होगा, उसके नीचे नट है। तो इसमें बूट तो आप ना के बराबर ही समझो कि इसमें सामान आपका कुछ आने से रहा, छोटा मोटा आया वो ठीक है। तो ये हैं इसके LED टेल लैम्प्स, ठीक है, यहाँ पे आपको LED इंसर्ट मिल जाते हैं, ये एक चीज़ अच्छी है। हालांकि टर्न इंडिकेटर्स और जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन में मिलती है पीछे, ये आप देख सकते हो, बल्कि स्टॉप लाइट जो है वो फुल LED में आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके अंदर से, बट उससे पहले मैं बता दूँ मैं अभी हूँ महिंद्रा डीलरशिप में जो कि फरीदाबाद में है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग जो भी आपको महिंद्रा की गाड़ी बाय करनी है, कुछ भी अगर नया ख़रीदना है, बिकॉज अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स इनके पास चलते रहते हैं, अच्छा खासा स्टॉक रहता है, तो आपको वेटिंग पीरियड भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पे भाई, याद से कॉन्टैक्ट कर लो, जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या टेस्ट ड्राइव या बुकिंग भी आपको अगर चाहिए तो याद से कर लेना। अब इसके बात करते हैं अंदर से क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ यस, ये यहाँ पर टकराए नहीं, तो डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूँ तो आपको ब्राउन और ब्लैक में थीम मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, पूरा हार्ड प्लास्टिक है अगर आप हर जगह पे देखते हो। देन ये है इसका डोर हैंडल जो भी ब्लैक में रखा है, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स आप देख सकते हो सारे। नीचे आपको बॉटल स्टोरेज मिल जाएगा और स्पीकर आपको मिल जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल रखा है पूरा, वो प्लास्टिक में रखा है, इसमें थोड़ा सॉफ्ट टच दिया होता तो वो ज़्यादा बेटर भी हो जाता। अब सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लंबा सपोर्ट मिल जाता है, प्लस आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप देखते हो, एंड पूरा मैनुअली एडजस्टेबल है, कुछ भी आपका इलेक्ट्रिक नहीं है। और जो सीट है
वो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ है, ठीक है। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे आपको मिल जाते हैं, पीछे भी आपको मिल जाते हैं, वो पीछे की बात बाद में करेंगे। ये एक्सेसरीज रखी है कुछ गाड़ी में ना, स्टील रिम आते हैं ना उस पर सिल्वर व्हील कैप आती है बाय द वे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो काले वो स्टील रिम ऐसे ऐसे दिखेंगे, वो व्हील कैप आती है, वो पीछे रखी है गाड़ी में, वो लगेगी बाद में कस्टमर की जो डिलीवरी होगी, शायद कल होगी ये गाड़ी। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके इंटीरियर में क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो पहली बात तो आप इसका इंटीरियर देख लो, आपको वही ब्लैक एंड ब्राउन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि थोड़ा इंटीरियर को है ना प्रीमियम बना रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो XUV700 में भी स्टेयरिंग व्हील आया वैसा ही है, ऐसा कुछ स्टार्ट करने पर लेआउट आता है, गाड़ी का थीम आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, अच्छा लग रहा था वो देखने में। एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि बीच में एक डिजिटल स्क्रीन आपको मिल जाएगी, एनालॉग में साइड में टैकोमीटर और राइट साइड में स्पीडोमीटर है। अब इस डिजिटल स्क्रीन में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन उसके बाद लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपका जो एनालॉग में वो पूरा तो आप देख ही सकते हो, जो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑल्सो, ये सारी चीज़ें आपका, ठीक है। डिजिटल स्पीड रीडिंग भी आ गया, देन आपका आउटसाइड टेम्परेचर भी आ जाता है, टाइम आ जाता है, ऑडोमीटर रीडिंग आ जाती है, कुछ भी अगर मैल फंक्शन होता है तो वार्निंग सिस्टम भी इसमें दिया है, वो चीज़ आपको दिखाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है प्राइस पॉइंट पे ना अच्छी चीज़ दी है कि वो स्क्रीन लेआउट जो मिल जाते हैं, 5 इंच की स्क्रीन है वो। स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स के साथ मिल जाता है, वही XUV700 वाला है, और इस तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट में, ठीक है। हॉर्न कुछ ऐसा है इसका, बीच में क्रोम में आपका लोगो देख सकते हो, सिल्वर ट्रीटमेंट दिया है स्टेयरिंग व्हील पे, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड रेयर, और इस तरफ आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इवन टर्न इंडिकेटर्स के। फॉग लैम्प तो आते नहीं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी नहीं आते। एसी वेंट्स का आप डिज़ाइन देख सकते हो, और ये बीच वाला पैनल भी पूरा हार्ड प्लास्टिक में है, ब्राउन वाला। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया है, अगर आप इनग्रेस एंड एग्रेस करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। IRVM मैनुअली इसमें एडजस्टेबल दिया है, ऑटो डिमिंग आपको नहीं मिलता। देन आ जाते हैं इंफोटेनमेंट पे, तो 8 इंच का यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। आपको गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, इसमें ब्लूटूथ एंड USB कंपैटिबिलिटी भी आपको मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए हैं नीचे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वाइल्ड ड्राइविंग। AC के जो यहाँ पे मिल जाता है आपको मैनुअल AC मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। आइडल स्टार्ट स्टॉप और नीचे आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। इसमें ऑक्स का इनपुट भी आपको दिया जाता है, एंड नीचे की तरफ आपके पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, एंड 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, या फिर आप USB से गाने बजा सकते हो। यहाँ पे है इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि नीचे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। बात करें इसकी तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंडब्रेक की टिप आपको क्रोम में मिलेगी। आर्मरेस्ट का जो एल्बो पैड है वो काफ़ी बड़ा है, बट इसके नीचे अगर आप स्पेस देखते हो तो वो आपको काफ़ी कम मिल जाता है। यहाँ पे एक फ़ोन ही आएगा आपका, उसके अलावा कुछ बॉटल तो आने से रही, वो बॉटल स्टोरेज में आप रख सकते हो। हालांकि यहाँ पर आप देखते हो तो इसका ये एक्सटेंडेबल नहीं है, बट कोई टिकट होल्डर भी नहीं मिलता। इस तरफ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ठीक है। IRVM तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, मैनुअली है, और यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। कैबिन लाइट आप देख सकते हो वाइट LED में, सेंटर में भी दी है और इस तरफ भी दी है, जो कि एक अच्छी बात है वाइट LED में। ग्लव बॉक्स छोटा है बट ठीक है, यहाँ पे जो आपको मिल जाता है महिंद्रा का राई है, ग्लव बॉक्स कंपैरेटिवली छोटे ही मिलते हैं इनकी गाड़ियों में। सीट के कम्फर्ट की मैं बात करता हूँ तो यार देखो कम्फर्ट अच्छा है, सीट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होगा इस गाड़ी में। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करो तो ओवर स्पीड वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, ग्लोबल एनकैप में अच्छे खासे 5 स्टार इसने स्कोर किए हैं, 2 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में ABS CVD आपको मिल जाएगा, देन ब्रेक असिस्ट भी आपको मिल जाता है, लॉक इन सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब ये थे सेफ्टी फीचर्स, 2 एयरबैग है, कहीं ना कहीं 4 एयरबैग्स होने चाहिए थे इस गाड़ी में। अब ये ड्राइविंग सीट जो है मैंने एडजस्ट की अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, 5'8" मेरी हाइट है। अब चेक करते हैं पीछे वाले जो रो है उसमें क्या कंफर्ट मिल रहा है उस हिसाब से, अगर सेम मेरी कोई हाइट का पर्सन पीछे बैठता है तो आप एक रेफरेंस ले सकते हो है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका रेयर डोर ट्रिम सेम है, देखो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, बिल्कुल आगे वाले डोर की तरह ही इसको यहाँ पर रखा गया है, नीचे बॉटल स्टोरेज भी मिल रहा है। अब बात करें इसकी तो एडजस्टेबल हेडरेस यहाँ भी मिल रहा है, और सेंटर पैसेंजर को एक फिक्स हेडरेस दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स आपको मिलने ही वाले हैं,
ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको आइसोफिक्स पीछे वाली सीट पे मिल जाता है, तो एक एक सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन रखा है। अगर मैं यहाँ पीछे बैठ के दिखाऊँ तो सबसे पहली चीज़ आप देखो यहाँ पे नी रूम एंड लेग रूम देखो, मेरे हिसाब से एडजस्ट किया था, अच्छा खासा नी रूम लेग रूम आपको यहाँ पे मिलता है। कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको सीट पॉकेट भी मिल जाती है ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड पे। रेयर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑल्सो और एक बड़ा प्लस पॉइंट, आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया है पीछे के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और पीछे से आप फ़ैन कंट्रोल कर सकते हो अपना एसी का। ऑल्सो पीछे भी कैबिन लैम्प है, फिक्स हैंडल बार दिए हैं अक्रॉस द व्हीकल, कोई भी तरीके का कोट होगा आपको नहीं मिलता। ऑल्सो जो ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती। पीछे से कुछ ऐसा लेआउट है। और लास्ट रो आप ये देख सकते हो, स्कॉर्पियन की जो लास्ट रो है ना वो अनकंफर्टेबल है, अगर आप एडल्ट पैसेंजर पीछे बैठता है तो अनकंफर्टेबल होगा आपको। उसके अलावा पीछे भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल पॉकेट आपको मिल रही है, फिक्स हैंडल बार मिल रहे हैं। क्वार्टर क्लास हालांकि बड़ा है, पीछे कोई घबराहट नहीं होगी महसूस, बट पीछे वाली रो है ना लास्ट रो वो बच्चों के लिए ही है। इसकी सेंटर रो है वो कंफर्टेबल है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, तो कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था इसका फुल स्कॉर्पियो, इनका इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर इस गाड़ी की मैं इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात करूँ, यहाँ पे पहले तो बता चुका हूँ ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल है। इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर एम स्टालिन 150 TGDI पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया गया है, जो कि 200 BHP और 370 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ, जो लोग इस गाड़ी को ओन करके बैठे हैं, जो चला रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो फीडबैक आया है सिटी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको ये 12 का माइलेज दे देगी, ठीक है, अगर आप इसको चलाते हो। बट हाईवे पे कहीं ना कहीं आपको ये 14 तक का माइलेज दे देती है या फिर उससे ज़्यादा, आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये ARAI क्लेम नहीं है, वो तो ज़्यादा ही होगा, बट मैं एक्चुअल जो लोग यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार, बाय गाइस।